नमस्कार दोस्तों, आज हम वीट ग्रेस तैयार करेंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग को तो पता ही होगा वीट ग्रेस कितना फ़ायदेमंद है और ह्यूमन बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के साथ साथ बड़ा से बड़ा रोग को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। तो आज हम जर्मिनेशन से लेके एंड तक हार्वेस्ट तक हम लोग आपको शेयर करेंगे। पहले तो मैं जर्मिनेशन कर लिया कैसे, जितने सारा गेहूँ का सीड्स है वो 8 से 10 घंटा भिगा के रखना है। उसके बाद कॉटन का कपड़ा रहता है उसमें छान के एक अच्छा कवर दे के, थोड़ा सा हीट वाला एरिया चाहिए होता है तो कुछ मोटा सा बोरा इसको लपेट के हम लोग रख देते हैं। 2 दिन के बाद ऐसा बिल्कुल ऐसा ही जर्मिनेट होके आ जाएगा। तो इसको हम अभी खाली ट्रे लेंगे और ट्रे को अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद ट्रे के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके रख देंगे। मैं आप लोगों को 2 तरीके से ग्रो करके दिखाऊंगा, एक तो प्लेन ट्रे के ऊपर और एक है कोई तो लेयर देना चाहिए जैसे जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। कोकोपीट हो गया, नहीं तो मिट्टी कंपोस्ट कोई भी एक लेयर देने से जल्दी ग्रो होता है खाली वाला ट्रे के मुकाबले। तो हम लोग एंड में भी रिजल्ट दिखाएंगे। तो 2 से 3 दिन हो गया, अभी जर्मिनेट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ग्रीन वाला हिस्सा जो है वो भी निकल के आ रहा है। तो दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो 6 दिन हो गया, अभी रिजल्ट देख सकते हो। जो प्लेन वाला ट्रे था जिसमें हम लोग कोई मीडिया नहीं दिया था, तो उसमें से अभी थोड़ा थोड़ा प्लांट निकल रहा है, लेकिन जिसमें हम लोग कोकोपीट के माध्यम से लगाया था सीड्स को वो ग्रो हो गया। अभी हार्वेस्ट का भी टाइम हो गया, जितना सारा ट्रे में हम लोग प्लेन ही गेहूँ का सीड को बोए थे तो धीरे धीरे वो निकल रहा है, लेकिन उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन आगे जाके हम लोग देखेंगे जहाँ पे कोकोपीट दे के लगाया था वहाँ का हम लोग हार्वेस्ट भी कर लिया ऑलरेडी, और नया वाला जो प्लांट वो भी निकल के आ रहा है, मतलब लीव्स जो है वो निकल के आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो माइक्रोग्रीन्स के ऊपर होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड हम लोग वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अभी हम लोग फाइनल दिखाएंगे जहाँ पे हम लोग कोकोपीट देके अच्छे से बनाया था। तो इस साइड में जो ट्रे है वो देख सकते हो कितना घना है और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भी हो गया प्लांट। हम लोग अभी इसको ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ है, जो कंटेनर है उसमें बहुत सारा गेहूं का जो पौधा है हेल्दी है और बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। अभी हम लोग इसको जड़ से भी दिखाएंगे ये कितना जड़ फैला हुआ है नीचे अंदर की तरह। हम लोग 2 से 3 2 इंच का जो कोकोपीट है वो लेयर दिया था, देख सकते हो जो रूट्स है अभी बिल्कुल वाइट है, मतलब पौधा बहुत हेल्दी है। आप भी आपका घर में ऐसा ही गेहूं का पौधा को तैयार कर सकते हैं और उससे जूस बना के पी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। और आप लोग जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहोगे तो पहले सीड्स को जर्मिनेट करना ही पड़ेगा क्योंकि भिगाया हुआ सीड्स जर्मिनेट होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे हम लोग पहला बताया कोई कॉटन का कपड़ा से इसको पहला जर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।